हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो TMS में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगा। नेचुरल नंबर को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर देखेंगे। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर में हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखेंगे नेचुरल नंबर का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में पहला प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका सम जो आएगा वो भी नेचुरल होगा, यानी 2 + 3 = 5। 2, 3 दोनों नेचुरल है और इसका सम 5, ये भी नेचुरल है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो हमारा जो सम होगा सेम होगा, जैसे 2 + 5 = 7, 5 + 2 = 7। इस प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हमारे पास दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर हो तो उसको हम किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करेंगे तो उसका सम जो आएगा वो इक्वल आएगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं 2 + 3 + 5 = 2, 3 को पहले एक साथ ऐड करते हैं 2, 3, 5 और 5 को फिर ऐड करेंगे 10। अब इसको दूसरे तरीके से जोड़ते हैं 2 + 3 + 5, यहाँ हम 2 को अकेले रहने देंगे और 3, 5 को एक साथ जोड़ेंगे 3, 5, 8, 2 + 8 = 10। इस प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसके आगे मैं फिर बताता हूँ। अगर हम लोग किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो नेचुरल होगा, यही प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पहला प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर हम 5 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आएगा। 5 और 7 दोनों नेचुरल नंबर है और इसका प्रोडक्ट भी नेचुरल आया 35। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर हमारे पास कोई दो नेचुरल नंबर है उसको किसी भी ऑर्डर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट सेम आएगा, जैसे कि 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर है और उसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 × 3 × 5, तो हम क्या करेंगे, पहले किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकलेंगे, 2 × 3 = 6 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 = 30। इसको दूसरे तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5, टू इंटू थ्री फाइव जै फिफ्टीन थर्टी। आप दोनों ही सिचुएशन में देख रहे हैं प्रोडक्ट जो है इक्वल है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये आप लोग कॉपी कर लें। तो अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नेचुरल नंबर हमारा प्रोडक्ट होता है, 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3। इसका मतलब है कि 1 जो है सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर हमको 15 को मल्टीप्लाई करना हो 103 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम कंज्यूमिंग होगा, यानी समय ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 × 100 + 3 लिखेंगे, लिख सकते हैं। अब 15 × 100 + 15 × 3 = 1545। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मान लीजिए कि किसी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 15 × 93। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर प्रोडक्ट जो फाइंड करेंगे, तो हो सकता है टाइम लगे, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 15 × 100 - 7 कितना होगा 1500, और 15 × 7 कितना होगा 105। इसमें से इसको घटाएंगे 1395। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब आगे चलते हैं,
प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर में अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न की बात करें तो इसमें क्लोज़र प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। कैसे देखते हैं, 2 - 1 = 1 तो हो सकता है, यानी एक नेचुरल नंबर में से दूसरे नेचुरल नंबर को घटा रहे हैं तो तीसरा जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो भी नेचुरल है। लेकिन अगर हम 2 - 3 को घटाएंगे तो -1 आएगा जो कि नेचुरल नहीं है, तो इसलिए ये क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी फॉलो नहीं करता है। कैसे, 5 - 3 = 3 - 5। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको भी सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। 3 - 2 - 1 = 3 - 2 - 1। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होता है और ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ना ही क्लोज़र प्रॉपर्टी। डिवीज़न की बात करें अगर तो डिवीज़न में भी क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। जैसे अगर हम 1/2 लिखें तो आंसर जो मेरा आएगा 1/2 आएगा, जो कि नेचुरल नहीं है, इसलिए ये क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, यानी डिवीज़न क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो 5/3 = 3/5, तो डिवीज़न जो है सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो 10/2 = 10/2। तो डिवीज़न जो है सो ना ही क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। इसी के साथ नेचुरल नंबर का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे।